नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य नाझा inspiredrise.com से। आज हमारे पास है Samsung Galaxy J3 2016 एडिशन। तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं। Samsung Galaxy J3 जो यह फोन है, इसके पीछे फॉक्स लेदर फिनिश प्रदान की गई है। और अगर देखा जाए आगे इस फोन के 5 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है आपके पास, और आपके पास बाईं तरफ पावर बटन और दाईं तरफ पे वॉल्यूम के बटन दिए गए हैं, और सबसे ऊपर 3.5mm का जो पोर्ट होता है वह दिया गया है, और नीचे माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है माइक्रोफोन के साथ। डिज़ाइन इसका बाकी के गैलेक्सी फोन्स की तरह ही दिखाई देता है अगर ध्यान से देखा जाए तो, और फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सामने 5 मेगापिक्सल कैमरा और एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, और जो 5 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है काफ़ी रंग में बिल्कुल उभर के सामने आते हैं। और एमोलेड डिस्प्ले IPS डिस्प्ले से इस मामले में काफ़ी अच्छी होती है कि उसमें रंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, और सैमसंग के फ़ोन्स में ऐसा ज़्यादा देखा गया है। 2600mAh की बैटरी है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है इसमें, और 2 SIM आप लगा सकते हैं। LTE स्मार्टफोन है, और इसके अंदर स्पेक्ट्रम प्रोसेसर है 1.5GHz का 4 कोर वाला, 1.5GB रैम है इसमें करीब, और एंड्रॉयड 5.1.1 है इसमें। लेटेस्ट वर्जन नहीं है पर फिर भी जो है ठीक चलता है। और इस फ़ोन में सेंसर बहुत ज़्यादा नहीं है, जितने हैं वो मतलब आम दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले सारे सेंसर हैं जो कि आपके कामों को आसान बना देंगे। कैमरा की बात करें तो पीछे इस फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, और जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग मोड प्रदान किए गए हैं। मैनुअल मोड भी है ताकि आप पूरी इमेज को पूरा बदल सकें, काफ़ी सारी चीज़ों को छेड़छाड़ कर सकें। और जो हमने इमेजेस लिए थे इस फ़ोन से, काफ़ी हद तक अच्छे इमेजेस आए। और दूसरी बात यह भी है कि इसके ऊपर सुपर एमोलेड स्क्रीन है, तो जो सामने हमें फ़ोटो दिखाई देती है वह काफ़ी ब्राइट और सैचुरेटेड दिखाई देती है, जिसमें कि कलर काफ़ी उभर के सामने आते हैं। जैसे कि यह पेड़ अगर देखा जाए, इतना ज़्यादा जूम करने के बाद भी 8 मेगापिक्सल की यह फ़ोटो होने के बावजूद इनमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी। इन इमेजेस में देखा जाए तो थोड़ा बहुत ही इसमें जो कहेंगे शोर नज़र आया, नॉइज़ नज़र आया हमें फ़ोटोज़ में। पैनोरमा की जो हमने फ़ोटो ली, काफ़ी लंबी चौड़ी जो फ़ोटो ली पूरे कैमरा को एक तरफ से दूसरी तरफ तक हिला के, वह भी काफ़ी साफ़ आई, तो यह भी अच्छी बात है। सेल्फ़ी के मामले में भी यह कैमरा सही है। सेल्फ़ी लेने वक्त देखा जाए तो जो चेहरा आया, चेहरे की जो क्वालिटी आई, क्लैरिटी आई, वह काफ़ी सही आई, तो सेल्फ़ी भी इस फ़ोन में काफ़ी सही आते हैं। और HDR जो मोड है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे रोशनी का भेद हो जिन चीज़ों के बीच में, उनके बीच में भी फ़ोटो काफ़ी सही आई, तो HDR मोड भी सही है। पर हमने यह कैमरा जो है बिल्कुल सिर्फ इसी कंडीशन में इस्तेमाल किया, हमने इसे नॉइज में नहीं इस्तेमाल करा, ज़्यादा कम रोशनी में इस्तेमाल नहीं करा, तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह कम रोशनी में कैसे चलेगा। तो यह कैमरा फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। 8 मेगापिक्सल कैमरा के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी, और आप चुन सकते हैं कि फ़ोटो कैसी आपको दिखाई दे, कितनी बड़ी आए, तो यह काफ़ी हद तक सही चीज़ें हैं जो कि हर एक कैमरा में होती हैं, और इसमें भी हैं, सैमसंग गैलेक्सी J3 के अंदर भी हैं। तो और बात करें गेम खेलने की, तो हमने इस पे हल्की गेम खेली, जैसे कि क्रॉसी रोड जो है, और इसके अलावा हमने सबवे सर्फ खेली। हमने यह पाया कि गेम खेलते वक्त जो हल्की फुल्की गेम थी जैसे कि क्रॉसी रोड वगैरह, वह तो सही चल गई, पर सबवे सर्फ जैसी हल्की फुल्की गेम में भी कहीं कहीं पे रुक रुकाव नज़र आ रहा था, गेम कहीं कहीं पे अटक रही थी। तो यह चीज़ें जो हैं, यह देखी जाए तो उतनी बढ़िया नहीं है, यह फ़ोन उतना बढ़िया नहीं है गेम खेलने के हिसाब से। सिर्फ 1.5GB ही रैम इस फ़ोन में है, तो अगर कोई व्यक्ति गेम खेलने के लिए फ़ोन लेना चाहता है 9000 से कम की रेंज में, तो हम इस फ़ोन को नहीं रिकमेंड करेंगे। यह फ़ोन आम दिनचर्या के लिए बहुत बढ़िया है, यूसेज के लिए बढ़िया है। बेंचमार्क की बात करें तो नीनामार्क 2 बेंचमार्क पे 50.8 फ्रेम्स पर सेकेंड, 18328 AnTuTu बेंचमार्क पे, जो कि एक कम स्कोर है, ज़्यादा स्कोर नहीं है ये, और 4000 के करीब स्कोर आया क्वाड्रेंट स्टैंडर्ड बेंचमार्क पे, और गीकबेंच 3 में भी मल्टीकोर 853 ही आया। देखा जाए तो यह काफ़ी कम स्कोर है। बात करें गाने वाने चलाने की और बात करें स्पीकर के आउटपुट की, तो उतना तेज नहीं था। यह फ़ोन एस बाइक नाम से फीचर के साथ आता है, और कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी होगी जो ऑडियो की होगी, पर इतना तेज़ नहीं था इसमें ऑडियो प्लेबैक जो था हमें लगा। सॉफ्टवेयर और इसके चलाने की बात करें तो इस फ़ोन में टचविज नाम से जो सैमसंग का एक यूज़र इंटरफेस दिया जाता है वह प्रदान किया गया है, और टचविज जो है काफ़ी हद तक हल्का है इस फ़ोन में, काफ़ी भारी भरकम नहीं है जैसे कि और सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन्स में देखा जाता है। स्मूथ चल रहा था फ़ोन, चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो यह बातें हैं जो कुछ अच्छी हैं इस फ़ोन में। टचविज में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, और डिस्प्ले में आउटडोर एक मोड दिया जाता है, ये सब चीज़ें जो जिनको टॉगल्स कहा जाता है कि बहुत सारे आपको टॉगल्स दिए गए हैं, ये सारे सब अच्छे दिए गए हैं। As their primary mode of transport.
सैमसंग पे हमें बताया गया कि बहुत सारे लोग जो अपनी आम दिनचर्या में दो पहिया गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो एस बाइक नामक एक फीचर है जिसके ज़रिए आप यह दिखा सकते हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति जब आपको फ़ोन करेगा तो उसे एक टोन कस्टम सुनाई देगा और उसको उस पर यह पता चल जाएगा कि आप बाइक चला रहे हैं, और अगर बहुत अत्यंत ज़रूरी होगा तभी वह एक नंबर डायल करके आपको कॉल करेगा। If your call is urgent and you want the person to stop and take your call, press 1. So I can press 1 and... Your phone! जो यह एस बाइक मोड दिया गया है यह NFC के जरिए काम करता है। आपकी बाइक पे एक NFC इनेबल टैग लगा होगा जिसपे आपको बस अपने फ़ोन को एक बार टच करना है और आपको फिर एस बाइक मोड अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन ड्रॉअर में से जाके इनेबल करना है। एस बाइक मोड इनेबल करने के बाद जैसे मोशन लॉक जैसी चीज़ें दी गई हैं कि जब तक आप अपनी गाड़ी न रोकें तब तक यह एस बाइक मोड एक्टिवेट रहेगा और अपनी कॉल नहीं आप उठा पाएंगे। आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी सही चीज़ है। 8,990 रुपये के हिसाब से यह फ़ोन काफ़ी हद तक सही है। इसमें सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशन नहीं है पर आम दिनचर्या में इस्तेमाल होने के हिसाब से यह फोन काफी बढ़िया बनाया गया है। तो मित्रों, ऐसी वीडियो बनाने में हमें काफी समय काफी परिश्रम लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यह आदित्यनाथ आपका मित्र अनिल रायते हैं।